बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी, पुलिस को 500 रुपए मिलेगा मोटरसाइकिल भत्ता, 3 शहरों में चलेगी ई बस, योगी कैबिनेट में 15 प्रस्ताव पास। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, इसमें 15 प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मिलने वाले साइकिल भत्ते 200 रुपए को खत्म कर दिया है। अब पुलिस कर्मियों को मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 500 रुपए मिलेगा। इसके अलावा झांसी में 35,000 एकड़ जमीन में बुलंदखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नारकीय बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव पर मोहर लगी है। पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे पर्यटक आवास और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित और संचालन किए जाने का प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। बैठक में आकांक्षीय नगर योजना के प्रस्ताव को पास किया। इसमें 100 नगर निकाय को चिन्हित किया गया, 12,991 डेटा पॉइंट पर इसका सर्वे किया गया। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 100 एकड़ का बजट दिया गया है। 2026 तक इस नगर निकाय पर फोकस किया जाएगा। इस योजना के तहत 100 नौजवानों को सीएम फेलो योजना से चिन्हित बच्चों को रखा जाएगा। खरीफ विपणन साल 2023 और 24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीदने की नीति के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2 वाहिनी की आवासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी, शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए भवन निर्माण को मंजूरी, संभल और औरैया में पुलिस लाइन में आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव पास, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन के लिए आवासीय भवन निर्माण को मंजूरी, आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एनक्लेव के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन के खरीदने की मंजूरी, यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं एक भी वाहिनी में भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव पास हुआ। उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भवन के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।